हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CTI का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा और क्या इसका क्राइटेरिया है रिजल्ट आने का, क्यों इतना लेट हो रहा है। आज का पूरा डिस्कस पे हम बात करने वाले हैं और पूरा सटीक आपको नॉलेज देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, माई डियर फ्रेंड्स, CTI एंट्रेंस एग्जाम का आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है। डोंट वरी, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा किसी भी कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी YouTube के अंदर CTI का रिजल्ट कब आएगा। ओके, डोंट वरी। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इतना लेट क्यों हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि जो CTI का एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम है, अभी बच्चों का चल रहा है, अभी नहीं हुआ। मैंने भी इस समय अभी CTI का फाइनल एग्ज़ाम दिया है, मेरा इस समय कंप्लीट हो गया है। देखो, कोरोना की वजह से DGT ने CTI का एग्ज़ाम दो ग्रुपों में बांटा गया है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। क्योंकि कोरोना की वजह से सभी को हॉस्टल में एक एक बंदे को रख रहे हैं रूम में, तो इसीलिए रूमों की कमी है, इसलिए दो ग्रुपों में बांट दिया गया है। तो मेरे वाले ग्रुप का जो एग्ज़ाम था 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आपका 17 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट ग्रुप का एग्ज़ाम है जो, वो आपका स्टार्ट होने वाला है 8 नवंबर से और वो चलेगा 17 नवंबर तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, 17 नवंबर तक सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम है CTI का फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद 17 नवंबर के बाद कॉलेज एकदम खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, नियर अबाउट एक या दो दिन का फ़र्क रहेगा मेरे बताए हुए डेट में। लगभग आपका 10 नवंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि रिजल्ट आपका 10 नवंबर को आ जाता है, तो दो या तीन दिन के बाद 12 या 13 तारीख को आपका काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होते ही 17 तारीख हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 17 तारीख जब होगा तो आपका काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रोविजनल एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते, जब तक टीचर्स जितने भी NSTI ITOT में लगे हुए हैं, वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही व्यस्त हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका भी एडमिशन साथ में करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको 10 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है, श्योर है एकदम। और आप एकदम अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एकदम रेडी हो जाइए। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख को, काउंसलिंग 12 या 13 से स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग फ़ीस कटाने के लिए आपको 1000 रुपये फ़ीस कटानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग फ़ीस नहीं कटाएंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको अगर चाहिए, तो मैं एक CTI कर चुका हूँ, मैंने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया है, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको अगर कोई सुझाव है, सवाल या सुझाव है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। तो अगली वीडियो में, अगर इस वीडियो पर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हो, तो अगली वीडियो में CTI से रिलेटेड और भी लाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखने।